हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन और फिर उसके कुछ यूजेस हमने देखे, हाउ टू फाइंड आउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा यूजिंग डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस मींस इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन क्या है? जैसे मैथमेटिक्स में हमारे पास एडिशन का रिवर्स प्रोसेस सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन का रिवर्स प्रोसेस मल्टीप्लीकेशन है, उसी तरह से हमारे पास इंटीग्रेशन भी डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। ओके, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, रिवर्स कैसे? डिफरेंशिएशन हमारे पास ऐसा कुछ होता था डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं कि दो क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे हैं चेंज को। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? डिक्रीमेंट आएगा, मींस ये डिक्रीज होगी। तो फिर इसका मतलब इसमें इंक्रीज होना चाहिए। हाँ, इसमें इंक्रीमेंट होता है, कहने का मतलब ये है एडिशन होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है? एडिशन। और एक्चुअली इंटीग्रेशन एडिशन के लिए ही यूज किया जाता है, जहां पे डिस्क्रीट वैल्यूज होती है हमारे पास, जिनको हम इजिली नोटिफाई कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कुछ कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है इनको, या जैसे क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, भाई 30 स्टूडेंट्स हैं, उनकी हमें मार्क्स ऐड करने हैं, तो वो डिस्क्रीट है, वो हम समेशन से ऐड कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका एडिशन ईजी नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम वेरिएबल फोर्स हो और वहाँ पे हमें वर्क डन निकालना पड़े, क्लियर। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? चेंज होता है। और ऐसे में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो फिर हम क्या करेंगे? हमें पता है कि थोड़े से भी वेरिएशन पे, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गए और ये फोर्स क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने में लगे हुए हैं एफ फोर्स से, वेरिएबल फोर्स है ये, इसका मतलब एफ की वैल्यू जो है इसके साथ एक्स के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ऐसे में हमें वर्क डन निकालना हो तो क्या करेंगे? हम बहुत ही छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाएंगे। कितने छोटे? इतने स्मॉल सेगमेंट्स कि हम ये कंसिडर करें कि उन स्मॉल सेगमेंट्स में फोर्स क्या रहेगा, अलग अलग सेगमेंट्स में कॉन्स्टेंट रहेगा अलग अलग फोर्स। तो ऐसे तो हम इसके कितने अलग अलग पार्ट बना सकते हैं? हम इसके 4 पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, हम इसके 10 पार्ट बना सकते हैं। कोई कहता है कि मैं इसके 5 पार्ट बना के ऐड कर लूंगा, कोई बोलता है कि मैं इसके 20 पार्ट्स बना के ऐड कर लूंगा टोटल के, कोई बोलता है 100, और जो जितने ज़्यादा पार्ट बना के ऐड करेगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा क्या आएगी? एक्यूरेट आएगी। किसी ने बोला कि मैं 100, ठीक है लगे रहो, आप जितना ज़्यादा मींस अगर आप इनफाइनाइट पार्ट बनाएंगे तो आप उतना ही ज़्यादा क्या होंगे? एक्यूरेट। बट ये हम कब तक करते रहेंगे? हमारे पास कितना टाइम है, कितने दिन तक इसको लगे रहेंगे? तो हम क्या करते हैं उसके लिए? हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। इस तरह के एडिशन के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। तो एक्चुअली इंटीग्रेशन हम ये भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू एड ए लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ओके, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत स्मॉल स्मॉल बहुत सारी क्वांटिटीज हो जाएं। जैसे इसमें हम कह रहे थे छोटे छोटे पार्ट्स बनाएं, तो कितने छोटे पार्ट्स बनाएं? जितने ज़्यादा बनाएं एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा आएगी उसके अंदर कैलकुलेशन में। तो हम उसको किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे ताकि इजिली सॉल्व हो जाए? वो इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हमारे पास दो तरह का होता है, इंटीग्रल कह लीजिए उसको या फिर इंटीग्रेशन कह लीजिए, ये ना दो टाइप का होता है हमारे पास। फर्स्ट वन इज इनडेफिनेट इंटीग्रल,
इनडेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रल। नाम से ही कुछ कुछ क्लियर हो रहा है कि इनका क्या मतलब है। देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है कि इसमें जो भी आंसर आएगा, इसमें जो भी रिजल्ट आएगा वो कांस्टेंट आएगा। जैसे आंसर आ गया 10, तो 10 इज ए कांस्टेंट। आंसर आ गया 100, 100 इज ए कांस्टेंट। तो डेफिनेट इंटीग्रल में जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट आएगा, ठीक। और इसमें क्या आएगा, हम कह सकते हैं इसमें कि एक फैमिली ऑफ आंसर्स मींस कई सारे उसके अंदर आंसर्स अवेलेबल होंगे। मींस एक एग्जांपल देंगे, उससे समझ में आएगा ये कि क्या है इसका मतलब। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास जैसे डी बाई डी एक्स हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर बताया था, उसी तरह से देखिए एस होता है सम, एस सम मतलब एस से हम उसको लिख रहे हैं मान लो, और हमने समेशन से ही रिलेट किया है। इंटीग्रेशन भी क्या है, एक तरह का समेशन ही है। तो इसको क्यों ना हम थोड़ा ऊपर खींचे इस एस को, थोड़ा नीचे, तो ये सिंबल कुछ ऐसा बन जाता है, ये सिंबल कुछ है इस तरह का बन जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑपरेटर बोलते हैं। इंटीग्रेशन ऑपरेटर, ठीक है। तो देखिए, जब हम यहां बात करेंगे इस वाले में, तो मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपको क्या करना है, इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल करना है। तो आप इस पे क्या लगाएंगे, मतलब मान लो y डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कैसे ये चीज लिखी गई है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता था एफ डैश एक्स, याद है एफ डैश एक्स। तो इसको डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स कर देते हैं, ये डिफ्रेंशिएशन में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे इसका डिफरेंशिएशन यही तो होता था, y इज इक्वल टू एफ एक्स का, वो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, और डी वाई क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स। और मैं इसके दोनों साइड ऑपरेटर लगाता हूँ, देखिए इसको छोड़ देते हैं, दोनों साइड मैंने ऑपरेटर लगाया तो हमें क्या मिलता है, y इज इक्वल टू ये जो एफ डैश एक्स है हमारे पास, ये वापिस से हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। तो हम अगर इसमें सी नहीं था तो इसको नहीं लगाएंगे, सी क्या है वो बताते हैं, और अगर मान लो कि इसमें सी था तो यहां सी आ जाएगा। तो हमने कुछ ऐसा किया, एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स था और हमें क्या करना है इसका, देखो ये तो मैंने आपको इस तरह से बताया कि रिवर्स प्रोसेस कैसे है, किसका डिफरेंशिएशन का, ठीक है। और भी एग्जांपल देंगे, और इस केस में इसका सॉल्यूशन आएगा, मान लो कैपिटल एफ एक्स क्या आ गया, कैपिटल एफ एक्स आ गया और प्लस फिर लगाते हैं हम सी, ये एफ 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 ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू जितना हम चेंज करेंगे, मींस ये वैल्यू जितनी अलग अलग होगी
ये जो इसकी टोटल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अलग अलग। यही हमने यहां बताया कि इनडेफिनेट क्या है, एक फैमिली ऑफ आंसर्स है, और जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तरह से सी की वैल्यू पे। जैसे तो ये हमने जो भी लिखा है, देखिए ये क्या है हमारा, ये इनडेफिनेट के बारे में बात कर रहे हैं हम, इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, आप अभी भी नहीं समझे होंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए कि इनडेफिनेट आंसर आ जाए तो उसका क्या मतलब है। हमारे पास एक इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दैट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऐसे ही हमारे पास सर्कल की इक्वेशन हो सकती है, पैराबोला की इक्वेशन हो सकती है, एलिप्स की इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, तो हमने आसान सी एक फॉर्म ली है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए आप ये सोचिए कि हमारे पास आंसर आया है, और ये जो सी की वैल्यू है इसको जनरलाइज करके लिखें तो वाई इज इक्वल टू ये हो जाए मान लो 2x+3। ये सी क्या होता है इस केस में, आपने अगर पढ़ा होगा तो पहले, तो ये सी होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। सी क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। और ये एम क्या होता है, एम होता है स्लोप ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट रहेगा, कहीं से कहीं निकाल लो। और एक्स हमारे पास, एक्स पे कोई भी, ओके। तो ये कहता है कि अगर ये ऐसा है तो हम इस इक्वेशन को मान लो रैंडमली ऐसे प्लॉट कर दे। देखिए +3 है का इसका मतलब है कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव वाई पे है, +3 का मतलब इंटरसेप्ट है वो हमारा पॉजिटिव वाई पे है। तो मान लीजिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो ऐसे आ गई। ठीक है, अब हमने सी को चेंज कर दिया, चेंजिंग सी मैंने कर दिया वाई इज इक्वल टू 2x-2। अब सी की वैल्यू -2 हो गई है, तो ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट ऑन वाई नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब हमारे पास ये आएगा ये ऐसे कुछ। ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी बिकॉज स्लोप सेम है दोनों में, दोनों में स्लोप कितना है 2, तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल। तो देखिए सी को चेंज किया तो हमारे पास लाइन की पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अगर सी जीरो है, इफ वाई इज इक्वल टू 2x+0 है, मींस सी की वैल्यू क्या है इसमें, जीरो, तो ऐसे में हमारे पास ये इक्वेशन कैसी आएगी, सी सी जीरो मतलब ओरिजिन से पास हो रही है, तो ये इक्वेशन ना ये लाइन हमारे पास ऐसे कुछ आएगी, सी जीरो, सी थ्री और सी -2। तो एक तरह से ये क्या होगी, ये यही तो है फैमिली ऑफ आंसर्स। क्या है ये फैमिली ऑफ आंसर्स, मींस इस केस में सी की वैल्यू चेंज करते जाइए। इसका मतलब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन था, या ये इस तरह का जो एक्सप्रेशन है, जब मैं इसमें ऐसे लिख दूं कि वाई इज इक्वल टू 2x+c, इसका मतलब ये डेफिनेट नहीं है, ये क्या है, इनडेफिनेट आंसर है। ये जो सी को चेंज करते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग पोजीशंस पे ये स्ट्रेट लाइन मिलती जाएंगी, तो ये क्या है, इनडेफिनेट है, डेफिनेट नहीं है इसका। तो इसी तरह हमारे पास जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है वो हमें क्या देता है, एक आंसर देता है, लेकिन वो डेफिनेट मींस उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू अलग अलग कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, आई थिंक समझ में आई होगी ये बात। अब चलते हैं किस पे, डेफिनेट पे बात करते हैं, कि डेफिनेट का क्या मतलब है।
डेफिनेट इंटीग्रल का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे पास अक्सर हम ग्राफ एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए यूज करते हैं। कैसे? पहली बात तो हम इसको लिखेंगे कैसे, डेफिनेट को लिखने का ये तरीका होता है कि ये मान लो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, डी एक्स है, और इसकी लिमिट है ए से बी। उसमें हमने लिमिट पुट नहीं की थी, इसमें हमने एक लिमिट पुट करी है ए से बी, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, डेफिनेट है। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कांस्टेंट है। ये हमारे पास हो जाएगा फिर एफ एक्स बदल जाएगा मान लो किसी में भी एफ ऑफ एक्स में, ठीक। इसमें प्लस सी नहीं होगा, प्लस सी इसी में होता था क्या, जैसे हमने ये लगा रखा प्लस सी, ये और ये दोनों को, ये मैंने सिर्फ ये बताया कि कैसे रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है ना, और ये वाली चीज ये सेम है दोनों। तो एफ एक्स का हमने किया कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और फिर यहां से लिमिट ए से बी। अपर लिमिट इसको बोलते हैं, लोअर लिमिट ये होती है। अपर लिमिट मींस ये एंड पॉइंट है, कहां तक जाना है, ये क्या है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, मींस स्टार्टिंग पॉइंट है, कहां से चले थे, जहां से चलेंगे उसको नीचे और जहां तक जाना है वो उसको ऊपर लिखेंगे। तो लिमिट पुट करने का तरीका क्या है इसमें, कि आप क्या करिए, एक बार x की जगह अपर लिमिट, वेरिएबल कौन है यहां पे, x ही तो है, ये एक्चुअली क्या है, फंक्शन ऑफ x, एफ एक्स का मतलब। तो x की जगह एक बार तो अपर लिमिट पुट करिए, फिर माइनस, तो f ऑफ b माइनस, फिर उसकी जगह लोअर लिमिट पुट करिए f a, ये हमारे पास क्या आ गया, ये मान लो y था, ठीक है, ये हमारे पास आ गया डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करने का तरीका, कैसे हम उसमें लिमिट पुट करेंगे। अभी ये नहीं आपके बहुत ज्यादा समझ में आएगा, एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे हम इसका, तब समझ में आएगा, ठीक है। पर पहले हम थोड़ा सा इसके यूज की बात करेंगे कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, कहां हमें इसकी फिजिक्स में जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये y है और ये x है, ठीक है, और y और x के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया और वो ग्राफ कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन आया, y और x के बीच हमने ग्राफ प्लॉट किया और वो एक इस तरह की स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। और इस स्ट्रेट लाइन में हमसे कहा गया कि आपको ना x1 से लेके और x2 तक एरिया अंडर दिस कर्व आपको x1 इंटरवल से x2 इंटरवल पे के बीच में एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है, ठीक है। या इसमें चलो मैं पर्टिकुलर वैल्यूज ले लेता हूं, मान लीजिए कि ये 2 है और ये 4 है, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, और ये कंपैरेटिवली मान लो 3 है और ये 6 है। तो आपको 2 से 4 के बीच में क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास ये शेप कुछ स्टैंडर्ड शेप बन सकती है, जैसे कि यहां से यहां तक आपने ऊपर वाला देखा तो क्या बन गए, ट्रायंगल। तो उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, देखिए ये वैल्यू, ये यहां पे 2, यहां पे 4, और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 3 से 6, 2 ना, तो इसका एरिया हमारे पास क्या आएगा, देखिए 2 से 4,
1/2 base into height ट्राइंगल का एरिया। तो बेस क्या है हमारे पास 2 से 4, 2 into height, हाइट है 3 to 6, 3 to 6 मतलब 3, ओके प्लस अब नीचे वाले का एरिया, ये तो हमारे पास क्या है रेक्टेंगल, तो 2 into 3, देखिए 2 से 4 गए तो 2, और ये वाली साइड कितनी हो गई है 0 से 3, तो इसका मतलब हो गया 2 into 3, तो कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 plus 6 मतलब आपके पास जो भी है या एरिया जो आ गया वो 9 आ गया, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी होगा यूनिट लिख देंगे उसकी, ठीक है 9 यूनिट आपके पास क्या आ गया एरिया आ गया। या फिर हम इसमें और भी जैसे मान लो कि ये तो इंटरवल 2 से, ये 0 से 4 पूछ लेता, तो इन इंटरवल 0 to 4, तो ऐसे में तो ये कंप्लीट आ गया यहां से यहां तक, तो ये कितना हो जाएगा 0 से 4 वही एरिया हो जाएगा बेस इन 1/2, ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई ना, देखो यहां से यहां तक ये कंप्लीट एरिया चाहिए अब हमें, तो आ जाएगा 0 से 4, तो 1/2 4 बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है देखिए 6, तो कितना आ गया 12 मीटर स्क्वायर या 12 यूनिट। हम एरिया कैलकुलेट कर पाए इजीली, क्यों कर पाए, क्योंकि हमारे पास एक जो शेप है वो कोई स्टैंडर्ड शेप बनी हुई है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन का हमने कहीं यूज भी नहीं किया क्योंकि बिना इंटीग्रेशन के हमारा सॉल्यूशन हो गया, जरूरत क्या थी हमें। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम यहां आएगी कि मान लीजिए कि वाई जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, यहां भी वाई था वो फंक्शन ऑफ एक्स ही था, ठीक है, लेकिन जो ग्राफ आया इसका वो ग्राफ कुछ इस तरह से आया, मान लो ऐसे आ सकता है ये ग्राफ ऐसा आ गया, और हमसे पूछा गया क्वेश्चन कि x1 से x2 इंटरवल में आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व, कैलकुलेट एरिया अंडर कर्व फ्रॉम x1 to x2, इसका एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, उसमें तो शेप स्टैंडर्ड बन गई थी हमने कैलकुलेट कर लिया था, बट अब इसका एरिया तो इतना आसान है नहीं है कैलकुलेट करना, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई शेप नहीं है, ये हमारे पास क्या एक्चुअली ये एफ एक्स है, ये कर्व जो वेरी कर रही है एफ एक्स के अकॉर्डिंग कर रही है, तो इसमें हमारे पास तरीका क्या है, देखिए हम इसमें एक स्ट्रिप चूज करते हैं यहां से यहां तक ऐसे, ये आपको शो करने के लिए मैंने इतनी विड्थ इसकी ली है, नहीं तो इतनी ज्यादा होती नहीं है, इसमें एक बहुत ही स्मॉल विड्थ डीएक्स कंसिडर कर ली क्या, और इस डीएक्स में ये एफ एक्स क्या है एक तरह से कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो एरिया आएगा देखिए एरिया इन डीएक्स इंटरवल वो होगा एफ एक्स डीएक्स, और ये जो एरिया है वो टोटल नहीं है अभी स्मॉल एरिया है, मैंने कहा डी ए एरिया है, क्या है डी ए स्मॉल एरिया, ठीक है, और ये एफ एक्स ये रहा ये वाली साइड, और सॉरी डी एक्स है ये, और ये वाली साइड एफ एक्स वाई पे है ना एफ एक्स, तो ये हमारे पास क्या है एफ एक्स, और ये वाली डी एक्स, तो हमें तो सीधा पता है दिस इंटू दिस आ गया, बट हमें एरिया सिर्फ इतना ही नहीं चाहिए ओनली डी एक्स इंटरवल में, हमें चाहिए कहां से कहां एक्स वन से, तो जो टोटल एरिया बनेगा टोटल एरिया फ्रॉम
एक्स वन टू एक्स टू वो क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग दिस अबोव इक्वेशन फ्रॉम वेरिएबल कौन है एक्स, तो फ्रॉम एक्स इक्वल टू एक्स वन टू एक्स इक्वल टू एक्स टू। हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देना है, और इंटीग्रेट किस तरह से कि ये एक्स वन से लेके एक्स टू तक इसकी लिमिट हो जाएगी। ठीक, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स एक्स वन टू एक्स टू। इसको हमें सॉल्व करना आता ही है, जनरल हम वो कर रहे हैं। तो इसका मान लो एफ एक्स हो गया लिमिट एक्स वन से एक्स टू, ये हो जाएगा अपर लिमिट एक बार एक्स की जगह एक्स टू माइनस लोअर लिमिट एक बार एक्स की जगह एक्स वन। हमारे पास ये जो भी आएगा ये एरिया आ गया। क्या आ गया? एरिया आ गया। ठीक है, कहाँ, किसकी हेल्प से, किसका, जो फंक्शन हमें दे रखा था वाई किस तरह से वेरी कर रहा है एक्स के साथ, उसी को हमने यूज किया वहां पे। हमारे पास ये एरिया अंडर दिस कर्व आ गया इन द इंटरवल एक्स वन टू एक्स टू। कुछ बात समझ में आई कि कैसे हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे फिजिक्स में, जब इस तरह की सिचुएशन हमें मिलेगी हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो एक एग्जांपल इसमें और लेते हैं, ये जनरल हमने सॉल्यूशंस देखे। तो एग्जांपल लेने से पहले हम कुछ, अब क्योंकि अभी तक हमने ये नहीं देखा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे सोल्व होगा, हमने सिर्फ ये कहा कि इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ओके, तो रूल फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास एक्स एन होता था मान लो एक, और हम इसका डेरिवेटिव करते थे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, यही करते थे। तो अब की बार क्या करना है, हमने इंटीग्रेशन, मैंने रिवर्स प्रोसेस बताया था ना, हम उसी को करते हैं यहां पे, कि अब क्या हो जाएगा, आपको ये फाइंड आउट करना है, आउट करना है इस गिवन से। तो हम इसमें लिखेंगे डी वाई इज इक्वल टू एक्स एन की पावर, सॉरी एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। ओके, फिर हम इस पे इंटीग्रेशन ऑपरेटर लगाएंगे दोनों साइड। तो ये डी वाई तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाई में, एन कांस्टेंट है, जैसे कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में अलग रहता था वैसे यहां भी अलग हो जाएगा, तो एन अलग यहां से, और जो एक्स की पावर है उसमें हम क्या करते थे, एन को तो भूल जाइए, एन का कोई रोल नहीं है, हम एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। वहां पे पावर को आगे लाके पावर में से एक कम करते थे, यही रूल था ना। यहां पे हम क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ के, एक फिर से सुनिए, उसमें पावर को आगे लाके पावर में से एक कम करते थे, यहां पे पावर में एक ऐड करके, और जो भी ऐड होके आएगी उस पावर को नीचे लिखेंगे। ठीक है, और साथ में जिसके ऊपर पावर लगी है, जिसके ऊपर पावर लगी है उसका डिफरेंशिएशन करके नीचे, पावर एक्स पे लगी थी ना, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। देखते हैं, एन एन माइनस वन प्लस वन एक्स की पावर एन डिवाइड बाई एन माइनस वन प्लस वन एन
डी एक्स बाई एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वन एन से एन कट गया, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स की पावर एन। इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है नहीं, हम यहाँ यूज नहीं कर रहे, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था। तो हमने रूल पढ़ा इंटीग्रेशन का कि क्या होता है, चाहे इनडेफिनेट हो चाहे डेफिनेट हो, रूल वही रहेगा इंटीग्रेशन का, बस फर्क क्या होगा, इनडेफिनेट में लिमिट नहीं होगी और उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं आएगी रिजल्ट, और डेफिनेट में हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमने सीख लिया कि इफ वी हैव गिवन y इज इक्वल टू u की पावर n और dx है, या फिर ये u छोड़िए, मैं इसको x ही ले लेता हूँ, नहीं u में ही करते हैं एक बार, तो ये आ जाएगा, और u क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, मान लो u वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन आएगा u की पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन, ठीक है, इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस सी। ओके, ये हमारे पास क्या आएगा इंटीग्रेशन इसका। ठीक है, कुछ रूल्स हम कंटिन्यू इसमें अभी कर ही लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ नेक्स्ट एक फंक्शन दे रखा है कि अगर ये हो सी यू डी सी यू, और मान लो इसको किसके रिस्पेक्ट में कर रखा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, देखो सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट सी बाहर और अंदर यू डी एक्स, कुछ नहीं करना यहाँ पे, ये है इस रूल में क्या बताया है कि जो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, जिसको हम पहले ही जानते हैं। अगर मान लो हमारे पास ऐसा हो जाए u प्लस वी इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, तो फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन u डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन v डी एक्स। ठीक है, और टर्म तीन भी हो सकती है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, डजेंट मैटर, वो हम पहले डिफरेंशिएशन में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने उसी केस पे एक बार पीछे, फिर हम इसकी एक टेबल बनाएंगे सारे फार्मूलाज की, कि क्या क्या किसका रिजल्ट होता है इंटीग्रेशन। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं किसका, डेफिनेट का, वहां हमने अभी छोड़ दिया था वो, डेफिनेट इंटीग्रल का एक एग्जांपल है कि मान लीजिए हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर थ्री डी एक्स टू टू फोर, ये लिमिट दे रखी है और हमें कहा गया कि इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, y, ओके, इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, इंटीग्रेशन का रूल देखिए ध्यान से फिर से एक बार, कि पावर जो है उसमें एक ऐड कर दीजिए, पावर में एक सीधा ऐड कर दीजिए, और जो भी ऐड होने के बाद पावर बनी है उसको नीचे लिख दीजिए, और फिर जिसके ऊपर पावर लगी है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ये चीज यहां मैटर नहीं कर रही क्योंकि ये वन आ रही है, बट ये मैटर करे भी, ठीक है, तो हम इसको भूलेंगे नहीं, और लिमिट है टू से फोर, तो ये आ गया एक्स की पावर फोर, थ्री प्लस वन फोर, मतलब वन बाई फोर हमने बाहर ले लिया, इसका तो वन हो गया और टू से फोर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, देखिए वन बाई फोर तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसका अंदर रखने का कोई फायदा नहीं है, उसको हमने बाहर रख दिया, x जो है वेरिएबल है, तो हमारे पास y आ जाएगा 1 बाई फोर, क्या रूल बताया था कि x की जगह जो भी वेरिएबल उसमें है, यहाँ पे x है, उसकी जगह क्या करिए, एक बार अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, तो 4 की पावर 4 माइनस, देखिए x की जगह 4, ठीक है,
फिर एक्स की जगह टू और पावर फोर, एक्स की जगह पे फोर, ये इसकी पावर फोर है वो रहेगी, फिर एक्स की जगह टू उसकी पावर फोर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो भी बनेगा ये हो जाएगा फोर का फोर इंटू फोर इंटू फोर कितना हो गया, आई थिंक 256 माइनस 16, ठीक है, तो ये आ गया 1/4 इंटू 240। देखिए इसकी जो वैल्यू आई वो 60 आई है, इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आई वो 60 आई और हमारे पास क्या आई, वो एक फिक्स्ड वैल्यू आई है, ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रल। अब जरा इसका एक एग्जाम्पल और देखें हम, देखिए एक हमारे पास दिया हुआ है कि वेलोसिटी और टाइम का एक ग्राफ है, ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कुछ इस तरह से वेरी कर रही है, टी स्क्वायर प्लस 2t+1, और इसका मान लीजिए कि हमारे पास ग्राफ जो है कुछ इस तरह का रैंडम ग्राफ आ रहा है, नहीं पता कि इसका यही आएगा, बट हमने कहा कि एक रैंडम ग्राफ ये आ रहा है, ये vt, v इज द फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए vt का एक ग्राफ हम सीधा बनाते थे, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म ग्राफ, ठीक है, तो यहां पे ये नॉन यूनिफॉर्म है और जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, किस कैसे चेंज हो रही है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, गॉट इट। तो पूछा गया कि आप फाइंड डिस्प्लेसमेंट और वी कैन से द डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है बट उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कैसी है, वो वेरिएबल है। अगर वो वेलोसिटी वेरिएबल है तो इस तरह से वो वेरी कर रही है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक। पूछा गया है कि आपको ना क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है और कहां से कहां तक, 2 से 4 सेकंड के बीच में, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती, मतलब एक यूनिफॉर्म चेंज के साथ ये वेलोसिटी होती, तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि हमें पता है कि ये मान लो 2 सेकंड हो गया और ये यहां से यहां तक मान लो 4 सेकंड है, वी नो एरिया अंडर VT graph gives distance, speed time graph जो हमारे पास है उसमें ये हमें distance देता है, तो हम क्या निकालें, ये जो curve हमारे पास है 2 से 4 सेकेंड के interval में, इस curve के अंदर क्या निकाल लें, area निकाल लें। तो देखिए एरिया क्या होगा, आई थिंक वी टी और क्या डी टी,
dx को भूल जाइए, यहाँ पे कौन है, वो y और x होता था, यहाँ y v और t है, तो vt कहां से कहां, तो वो हो जाएगा हमारे पास, देखो vt क्या है हमारे पास, vt दिया हुआ है t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 और dt, और हमें चाहिए एरिया 2 से 4 सेकेंड हमारी प्रॉब्लम। वैसे आपको ये एरिया निकालना पड़े तो आप, ये तो इम्पॉसिबल है एरिया इस तरह का कैलकुलेट करना, बट इंटीग्रेशन की हेल्प से हम एरिया निकाल पाएंगे अब, ठीक है। तो देखिए कितना आता है इंटीग्रेशन, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास, एरिया के इक्वल ही होगी डिस्टेंस, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से 2 से 4 टी स्क्वायर डी टी अलग हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 2t dt 2 से 4 ये अलग हो जाएगा, प्लस 1 dt 2 से 4 ये अलग हो जाएगा, क्लियर। तो अलग अलग कर देते हैं, t स्क्वायर पावर में एक ऐड करिए, ऐड करने के बाद जो पावर आई उसको नीचे लिखिए, और इस t का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में ये तो 1 आएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 2 से 4 प्लस इसका कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, t का हो जाता है t स्क्वायर बाई 2, पावर एक ऐड करेंगे 1 में तो 2, ठीक है, नीचे 2 से 4 प्लस ये 1, यहाँ पे बाहर लो अंदर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि t की पावर कितनी है, 0 है, 1 कहो या t की पावर 0 कहो एक ही बात है, तो t की पावर 0 क्या हो जाएगी, 0 में एक ऐड कर दीजिए और ऐड की हुई को नीचे लिख दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओनली dt है, कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, 1 हो या उसके साथ 2 हो या 4 हो कुछ उसका कोई लेना देना नहीं है, अगर dt है तो उसका डेरिवेट सॉरी उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, t आएगा, देखो 0 प्लस 1 t, 0 प्लस 1 1, ये तो हमारे पास 2 से 4, ये सारी लिमिट्स इसमें पुट कर दें, आंसर आ जाएगा 1/3, ये तो बाहर t की पावर 3 है, t की पावर कितनी है, 3 है, तो उसमें हम t की जगह एक बार 4, इसकी पावर हो जाएगी 3, माइनस एक बार रखेंगे 2, उसकी पावर फिर 3, प्लस 2/2, देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हमारे पास आएगा t की जगह रखेंगे 4, मतलब 4 की पावर 2, माइनस 2 की पावर 2, और थर्ड टर्म में हमारे पास ओनली t है, तो t की जगह पर 4 माइनस 2, ठीक है, जो भी हमारे पास ये डिस्टेंस आएगी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरह से हम मतलब इंटीग्रेशन का यूज करेंगे फिजिक्स में, डेफिनेट क्या होता है, इनडेफिनेट क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन हमने ये देखा कि हमने एरिया अंडर द कर्व निकाला विद इन द गिवन लिमिट्स 2 to 4 सेकेंड, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होता है कि एक कांस्टेंट या एक फिक्स्ड रिजल्ट नहीं आएगा, उसके अंदर रिजल्ट्स की एक फैमिली आएगी हमारे पास, जिसमें हम कुछ इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो सी हम यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज करते जाएं तो वो अलग अलग रिजल्ट हमें देगा। उसमें एक एग्जांपल भी हमने देखा था स्ट्रेट लाइन वाला। तो यहाँ दो तरह के इंटीग्रल हमारे पास, एक डेफिनेट इंटीग्रल और एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है, जिसके हमने एग्जांपल्स देखे, हमने ये देखा कि क्या होता है, और हमने एक रूल पढ़ लिया इंटीग्रेशन करने का, क्या रूल है कि पावर डिफरेंशिएशन में आगे लाते थे इस, और फिर पावर में से एक कम करते थे, इसमें क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे और फिर जो ऐड करने के बाद आई उस पावर से डिवाइड कर देंगे, और साथ में इस चीज को मत भूलना, वो जो डिफरेंशिएशन करके जिसके ऊपर पावर लगी है, देखो उसमें क्या करते थे डिफरेंशिएशन में, जिस पे पावर लगी है उसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में, इसमें क्या कर रहे हैं, उसका जिस पे पावर लगी थी उसका डिफरेंशिएशन करके उसको डिवाइड में ही लिख रहे हैं नीचे, क्लियर। तो ये हमने इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स पढ़े हैं और समझा कि डेफिनेट इंडेफिनेट क्या है, ओके। अब हम कुछ रिजल्ट्स लिखेंगे यहाँ पे कि
डिफरेंशिएशन के और उसके इंटीग्रेशन के कंपैरेटिवली रिजल्ट्स कैसे हैं, क्योंकि हमने बताया कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रिवर्स प्रोसेस है। ओके, देखते हैं कुछ रिजल्ट्स। तो देखिए, हमारे पास ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कुछ कंपैरेटिव रिजल्ट्स हमने लिखे हुए हैं। जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन तो ये होता है, x के पावर n का इंटीग्रेशन ये, पावर में एक ऐड कर दीजिए और ऐड होने के बाद जो पावर आए उसको नीचे लिख दीजिए और प्लस c, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उसके बाद 1 है, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है। लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का डिफरेंशिएशन नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। ऐसे ये सारे हैं, ए एक्स प्लस बी, ये देखिए ये वाला रिजल्ट, ए एक्स प्लस बी की पावर n, पावर रूल क्या है, पावर में एक ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद जो पावर बनी उसको नीचे लिखिए और फिर जिसके ऊपर पावर लगी थी उसका डिफरेंशिएशन, समझ में आई बात, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम इसको यहीं छोड़ देंगे, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन और प्लस सी, ये गलत हो जाएगा। हमें जिस पे पावर लगी उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ए आएगा, प्लस बी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, जीरो आएगा। तो फाइनली हमारे पास ये बन जाएगा ए इंटू एन प्लस वन प्लस सी। ओके, ई की पावर एक्स, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, ई की पावर एक्स ही होता है। इंटीग्रेशन में भी इसमें अगर ये ऐसे हो जाए कि मान लो इंटीग्रेशन ई की पावर 2x dx, तो ये होता है ई की पावर 2x, तो 2x ही आएगा एज इट इज, और फिर डिवाइड में हमें लिखना है d बाई dx ऑफ जो ई की पावर में है वो प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा इसमें, ठीक है। तो ये देखो मैंने ये लिख रखा है यहाँ पे डी एक्स बाई एक्स, तो ये तो वन ही होता है, इसलिए ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी आ जाएगा एज इट इज, और इस केस में ई की पावर 2x है तो नीचे जब डिफरेंशिएशन करेंगे इस ई के ऊपर जो पावर है उसका डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो वो क्या आएगा, नीचे 2 आएगा, ठीक है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो जो फिजिक्स में यूज होने के हैं वो हमने लगभग यहाँ पे लिखे हैं, और उसके अलावा और कई सारे फॉर्मूलेज हो सकते हैं मैथमेटिक्स में, तो और ज़्यादा हम पढ़ेंगे जब आपके पास कैलकुलस आएगा 12th क्लास में मैथमेटिक्स में। तो फिजिक्स के लिए ये इतना ही सफिशिएंट है हमारे पास, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स, कुछ फॉर्मूलेज देखे। इसमें जैसे डिफरेंशिएशन से कंपेयर करें तो u प्लस वी, तो हमने देख लिया कि u का अलग से हो जाएगा प्लस v का अलग से हो जाएगा, बट एक और इसमें है जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलते हैं। क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है और काम आने वाला रूल है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फिजिक्स में इसका काफी जगह यूज होता है। क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स, यू भी वेरिएबल है और वी भी वेरिएबल है, दोनों ही क्या है, वेरिएबल है, तो हमने यू वी मेथड डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा था, वैसे ही ये वाला फर्स्ट फंक्शन और ये वाला सेकेंड, एक को फर्स्ट फंक्शन मानिए एक को सेकेंड फंक्शन, और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, वी डी एक्स माइनस जो फर्स्ट फंक्शन है यहां पे उसका डिफरेंशिएशन, ओके, और जो यहां हमने इंटीग्रेशन किया उसका और फिर ये कंप्लीट का इंटीग्रेशन, समझ आया। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस या फर्स्ट का
डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये जो इंटीग्रेशन वी डी एक्स है वो एक बार यहाँ पे इंटीग्रेशन वी डी एक्स, ये इंटीग्रेशन वी डी एक्स है, ठीक है, और ये जो भी आएगा सारा उसका फिर से यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला कुछ आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन हम कुछ इसमें जब न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूज करना है। ओके, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फिर से देख सकते हैं, एक फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, एक सेकंड फंक्शन, याद है ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड ओवरऑल ये जो भी टर्म आएगी उसका इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ओके, चलिए हम कुछ एक दो एग्जाम्पल और करवाते हैं, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में करवाते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन ऑफ x dx, ठीक है, तो आपने क्या किया, साइन x का ये डिफरेंशिएशन ना, सो इंटीग्रेशन कैसा है, डेफिनेट है, क्योंकि इसमें लिमिट गिवन है। साइन का क्या होता है हमारे पास, देखो इंटीग्रेशन साइन 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 माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, चलिए ठीक है, माइनस कॉस एक्स, लिमिट जीरो टू पाई बाई टू, माइनस बाहर ले लीजिए, कॉस एक्स की जगह अपर लिमिट, माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट, आपका आ गया कॉस पाई बाई टू क्या होता है जीरो, माइनस कॉस जीरो क्या होता है वन, कॉस नाइन्टी जीरो होता है और कॉस जीरो वन होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया एक्चुअली ये क्या है, एरिया है, ये वाई क्या है यहाँ पे, एरिया। आप कहोगे कैसे, तो मैं देखो इसको आपको ग्राफिकली प्लॉट करके बता, जो y होता है उसका जो सॉरी जो साइन x होता है, y नहीं साइन x, उसका जो ग्राफ आता है वो ऐसा कुछ आता है, देखिए एंड सो ऑन, ऐसे ही है यहां से एंड सो ऑन, ये जो है इसको बोलते हैं साइनोसोडियल। यहां पे हमारी जो लिमिट थी, देखिए जीरो से 180 ये कितना है, ये है पाई बाई टू, ये टू पाई बाई टू, ये थ्री पाई बाई टू मतलब 270, और ये कितना है 360 मतलब 2 पाई। हमारे इस क्वेश्चन में लिमिट क्या थी, जीरो से पाई बाई टू, तो ये रहा जीरो और ये रहा पाई बाई टू, इसका मतलब हमें इस इंटीग्रल ने ये वाला एरिया कैलकुलेट करके दिया है, जो कितना आया है 1 आया है, 0 से पाई बाई, देखिए ये जो कर्व है ना 0 से पाई बाई 2, इसका एरिया हमें कैलकुलेट करके मिला है, ठीक है, और अगर इसकी लिमिट हो जाए 0 से पाई तो ये कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। देखिए कर लेते हैं इसको, कि अगर y इज इक्वल टू साइन ऑफ x dx होता, देखिए एरिया इसका 1 आया है तो इतना ही पोर्शन और है 180 तक जाने में, तो इसका 1 और आना चाहिए, तो आंसर कितना आना चाहिए उसका, 2 आना चाहिए ना, तो देख लेते हैं आएगा कि नहीं, 0 से पाई साइन x dx, साइन x होगा माइनस cos x, ठीक है, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस कॉस पाई कॉस 180, कॉस 180 क्या होता है माइनस वन, माइनस कॉस जीरो क्या होता है वन, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया माइनस टू, बाहर एक माइनस और रहती आ गया टू, देखिए आपके पास ये जीरो से पाई वाला टोटल आ गया एरिया,
तो इस तरह से ये जो कर्व हमें मिली साइन वे साइनसोडियल जो कर्व हमारे पास है, हम इसके किसी भी इंटरवल में कहीं से कहीं तक का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो जीरो से थ्री पाई बाई टू की बात हो तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, आ जाएगा ये साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, मतलब एक बार थ्री पाई बाई टू माइनस कॉस जीरो, ठीक है, माइनस और कॉस थ्री पाई बाई टू, कॉस थ्री पाई बाई टू कितना होता है हमारे पास 270। तो याद करिए कैसे इस तरह की सिचुएशन जब हमें एंगल ना पता चले कि वैल्यू क्या है तो सॉल्व करना, बताया था मैंने क्वाड्रेंट जब पढ़ाया तो उस टाइम पे बताया था आपको याद हो तो। देखिए ये है कॉस 270, 3 पाई बाई टू 90 180, 270 360 270 है, ठीक है। अच्छा ये जो है ना यहाँ पे वैसे डायरेक्ट देख सकते हैं हम इसकी वैल्यू, और साइन इसकी वैल्यू होती है प्लस वन मैक्सिमम और इसकी वैल्यू होती है माइनस वन मैक्सिमम, ठीक है। तो देखते हैं क्या यही आता है कि नहीं आता। तो हमारे पास वो देखिए 3 पाई बाई टू है, हमें ये सोल्व करना है कॉस 3 पाई बाई 270, तो ये हो जाएगा कॉस, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 180 प्लस 90 लिख सकता हूँ या फिर 360 माइनस, तो 180 माइनस 90, 180 प्लस 90 कितना हो गया टोटल, ये 270। ओके, ये फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, फंक्शन चेंज होता है 90 पे और 270 पे, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये आएगा कॉस 90। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, देखिए 180 प्लस 90 कौन से क्वाड्रेंट में गए, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट एएसटीसी रूल याद करिए, एएसटीसी कॉस कहां पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जबकि हम है 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या होता है नेगेटिव, तो हमारे पास कॉस 90 क्या होता है, और वैसे भी हमारे पास क्या आएगा ये, ओह कॉस 90 आ रहा है, कॉस 90 तो क्या होता है जीरो, नेगेटिव वगैरह की जरूरत ही नहीं, कॉस 90 क्या होता है जीरो, तो हमारे पास ये आ जाएगा क्या, देखिए कॉस ये आ गया जीरो माइनस कॉस जीरो क्या होता है वन, कॉस जीरो वन, तो ये आ गया वन। आप सोच रहे होंगे ये आया हमारे पास पहले कितना आया था वन, यहां तक का कितना आ गया टोटल टू, और यहां का यहां से यहां तक का कितना आया, तो ऊपर वाला एरिया हमारे पास क्या है पॉजिटिव, तो नीचे वाला क्या है नेगेटिव, देखो माइनस, ये तो जो नेट रिजल्टेंट हमारे पास बनेगा 2 माइनस 1, आंसर क्या आएगा 1। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। तो इंटीग्रेशन में हम कुछ क्वेश्चंस अगर सोल्व करना चाहें तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे y इज इक्वल टू हमें दे रखा है इंटीग्रेशन cos 3x dx, ओके dx मतलब किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास sin 3x, cos का इंटीग्रेशन sin, और फिर इसके डिवाइड में dy/dx ऑफ 3x प्लस c। जो ध्यान देने की बात है वो यही है कि जो एंगल में है हमारे पास उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, जो यहां पे वेरिएबल होगा उसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में लिखना है हमें, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में 3, तो 1/3 साइन 3x। अगर मान लो ऐसा हो कि y इज इक्वल टू cos 3 थीटा dx, और इस केस में मैं आपको लिख दूं
क्योंकि थीटा इज वेरिएबल। तो ऐसे में ये आएगा साइन थ्री थीटा डिवाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री थीटा प्लस सी, इनडेफिनेट है ना। तो साइन थ्री थीटा बाई ये क्या रहेगा, थ्री डी थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि अब की बार ये जो थ्री थीटा है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में थ्री नहीं होगा, वो क्या होगा, थ्री डी थीटा बाई डी एक्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें पावर दी हो, तो अगर मान लो यहाँ पे एक्स थ्री एक्स की जगह एक्स की पावर टू या एक्स की पावर थ्री होता तो उसका भी डिफरेंशिएशन करके हम यहाँ पे नीचे लिखते। ओके, अच्छा एक चीज और वहां पे मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि एक्स की पावर एन डी एक्स जो हमने लिखा था ना, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, बट इसमें एन के लिए है कि नॉट इक्वल टू माइनस वन होगा, ये एन जो है नॉट इक्वल टू माइनस वन है तब ये ऐसा आएगा। क्योंकि देखिए अगर ऐसा हो जाए कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस वन डी एक्स, तो इसका हमारे पास लिखने का तरीका होगा वन बाई एक्स डी एक्स, और इसका तो हमने इंटीग्रेशन अभी अभी पढ़ा था, क्या था, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। तो जब x की पावर n पे हम वो फॉर्मूला लगा रहे हैं कि n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन हो जाएगा, तो ऐसे में ये जो n है ना ये हमारे पास नॉट इक्वल टू माइनस वन होगा, इसके अलावा और कुछ भी। ओके, जैसे एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाई पार्ट का कर लेते हैं, इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स दे रखा है डी एक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकंड फंक्शन मानिए, तो क्या आएगा, एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एस ऑफ एक्स, फॉर्मूला निकालिए जो अभी लिखा आपने और उससे मैच करिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, और फिर किसका इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, और फिर इस कंप्लीट का भी इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा एक्स साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स वन हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होगा माइनस कॉस एक्स और एक डी एक्स अभी बाहर बचा हुआ है, देखिए साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉस एक्स और इसका वन, तो ये और इस कंप्लीट का भी हमें क्या करना है, फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक, और कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस और कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स प्लस सी, ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ठीक है, आप मैच करवा लीजिए फर्स्ट फंक्शन, मतलब हमने इसको u माना इसको v माना है, ठीक है, u v एंड कंप्लीट का भी इंटीग्रेशन, वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मान लो इसमें दे रखा है e की पावर 2x प्लस 1, एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई की पावर 2x प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दे रखा है, ठीक है, वाई दे रखा है मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर 2x इंटीग्रेशन डी एक्स इसका अलग प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इसका अलग, ठीक है, ई की पावर 2x का याद करिए क्या बताया था, e की पावर 2x का e की पावर 2x एज इट इज और 2x का डिफरेंशिएशन नीचे, इससे जो पावर लगी हुई है प्लस x की पावर 2 है नीचे है, ऊपर ले जाइए x की पावर माइनस 2 उसमें पावर एक ऐड कर दीजिए माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस c, इंडेफिनेट है ना, तो प्लस c, क्लियर,
अच्छा यहाँ पे ये डी बाई डी एक्स लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक्स है तो एक्स का क्या आएगा, वन आएगा, तो ये हो जाएगा वन डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स, तो इसका कितना आएगा डिफरेंशिएशन टू एक्स का, टू आएगा, तो वन बाई टू ई की पावर टू एक्स प्लस, और ये माइनस बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस वन, और वन बाई एक्स की पावर कितना हो गया माइनस टू प्लस वन, तो क्या बचा माइनस वन ना, तो वन बाई एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। तो इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास जो एप्लीकेशंस डिस्कस करने थे वो भी हमने किए, जैसे कैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं, इनडेफिनेट के बारे में भी हमने पढ़ लिया और डेफिनेट के बारे में, और कुछ फॉर्मलाइज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के, कुछ एल्जेब्रिक फंक्शंस के हमने इंटीग्रेशन कैसे होते हैं वो देख लिए। ओके।